राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह के देखिए ठाकुर जी की सेवा हो गई है, आप सब भी दर्शन कर लीजिए हमारे साथ। और आज जो है ना लाइट नहीं है, तो मंदिर में हल्का हल्का आपको अंधेरा दिख रहा होगा। तो बस पूजा करने के बाद जो है ना सबसे पहली एंट्री होती है किचन में। बहुत ज़ोरों से जो है ना भूख लगी हुई है, तो चलिए नाश्ते की करेंगे तैयारी। और सामने जो है ना मंदिर में मटका रखा हुआ है, तो इस वजह में जो है ना बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मटका जो है ना गर्मी की वजह से भर के रखती हूँ। डिटेल में अगला वीडियो में आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर दूंगी। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, और जब तक मैं पूजा कर रही थी ना, हिरम को बहुत ज़्यादा ज़ोरों से जो है ना उसको भूख लग रही थी। तो तवे पर उसने जो है ना अपने लिए दो ब्रेड सेके हैं, दूध उसने जो है ना अपने लिए ले लिया था, तो इतना काम जो है ना वो कर लेता है। यहाँ पर ठाकुर जी का भी दूध का जो है ना भोग नहीं लगा था, उसने जो है ना कल वाला दूध लिया था, तो देखिए थोड़ा सा जो है ना उसने फैला भी दिया है। और हिरम जो है ना हमेशा दूध छान कर लेता है। तो बस चलो सबसे पहले जो है ना मैं किचन पर थोड़ी साफ़ सफ़ाई करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ, ताकि जो है ना रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो है ना सुबह सुबह ही जो है ना मुझे नए वाले घर पर जाना है, कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। तो बस हिरम जो है ना यहाँ से साइकिल से जा रहा है और मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। जब हिरम के पापा होते हैं यानी पंडित जी होते हैं, तो हम दोनों बाइक से जाते हैं, लेकिन जब वो नहीं होते तो फिर जो है ना मुझे पैदल जाना पड़ता है। वैसे यहाँ के लिए जो है ना जो हमारे यहाँ जो है ना छोटे वाले रिक्शा जो है ना, जिसे टमटम हमारे यहाँ बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो छोटे वाले रिक्शे भी चलते हैं, लेकिन मैं जो है ना पैदल चलना जाना पसंद करती हूँ। एक तो एक छोटी सी जो है ना हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, चलना फिरना हो जाता है। हाय रम, साइकिल ऐसे चला रही है, देखो मैं साइकिल ऐसे चलाता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले ये खा रहा हूँ। क्या उसको अच्छे से काटो और भगवान को भोग लगा दो, फिर खा लो। काट लो आप। अभी मैं सब्जी धो रही हूँ, मैं काट नहीं पाऊंगा। मैं काट नहीं पाऊंगा, तो मैं हिरम के लिए यहाँ पर मैंगो काट रही हूँ। और वहाँ से आते समय जो है ना मैं लेकर आई हूँ हरी मिर्ची और अदरक। अदरक जो है ना बिल्कुल भी नहीं था, दो तीन दिन से जो है ना मैं चाय भी नहीं बना रही थी क्योंकि अदरक नहीं था। तो बस खाना बना के जो है ना मैं नहीं गई थी, सिर्फ नाश्ता करके गई थी। तो अभी जो है ना टाइम हो रहा है 12 या 12:30 बजे का टाइम होगा। अभी जो है ना घड़ी देखने का भी मुझे टाइम नहीं मिला। आई और फटाफट मैंने जो है ना हाथ पैर धोए हैं और जल्दी से जो है ना यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हिरम को भी जो है ना इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ों से भूख लग रही है। यहाँ पर जो है ना सरसों का तेल जो है ना छोटे वाले डिब्बे में ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पर बड़े वाले डिब्बे में से निकाल के रखा है। तो कुछ सामान ऐसा होता है गृहस्थी में जो कि जो है ना मैं इकट्ठा ला कर जो है ना हम लोग रखते हैं, तो स्टॉक जो है ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप अपने गृहस्थी को चलाना चाहते हैं। वैसे तो देखिए बहुत सारे सामान का मैं स्टॉक नहीं करती क्योंकि उनकी देख रेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि स्टॉक में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जल्दबाजी में जो है ना कढ़ाई में मैंने ज़्यादा तेल डाल दिया था, तो फिर जो है ना वापस से उसे निकाल रही हूँ। और बस लौकी की सब्ज़ी, हरी मिर्ची, जीरा और हींग में जो है ना सिंपल सादा उसे छौंकती हूँ और बहुत अच्छी लगती है मुझे और हिरम को। तो बाकी में बहुत ज़्यादा पसंद है लौकी की सब्ज़ी, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार जो है ना लौकी में ज़रूर बनाती हूँ, और बाकी हफ्ते के हिसाब से जो है ना कभी कुछ बनाती रहती हूँ, लेकिन लौकी जो है ना हफ्ते में 2 या 3 बार पक्का बनती है हमारे घर पर। तो बस एक हाथ बार दाल वगैरह बन जाती है, तो इस तरह से जो है ना हफ्ते का पूरा रूटीन, सब्जी बनाने का रूटीन जो है ना इसी तरह से रहता है। ज़्यादातर आप मेरे घर में लौकी ज़्यादा बनते हुए देखते हैं क्योंकि लौकी अच्छी लगती है, एक तो हेल्थी है, गर्मियों में कोई ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं होता, लौकी सबसे बढ़िया है। और हरी सब्ज़ियाँ जो है ना वैसे भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बच्चों को खासकर जो है ना हरी सब्ज़ियाँ ज़रूर खिलाएं, कोशिश करें। वैसे तो नाटक करते हैं, सारे बच्चे नाटक करते हैं, मेरा बेटा भी बहुत नाटक करता था, लेकिन उसको जो है ना इस तरह से मटकी में बना देती हूँ तो उसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है उसका टेस्ट खाने में, थोड़ी सी मिठास बहुत आती है इससे। और टमाटर थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ मैं लौकी में, तो टमाटर डालने से क्या होता है, एक तो टमाटर में थोड़ा सा मीठापन होता है, खट्टा मीठापन आ जाता है, तो अच्छी लगती है लौकी की सब्ज़ी खाने में। तो हिरम लौकी खा लेता है लेकिन उसको तुरई बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस दिन मैं तुरई बनाती हूँ ना वो रोटी रोटी ही नहीं खाता।
ऐसा लड़का है। तो तुरई जो है ना हफ्ते में सिर्फ एक बार बनती है मेरे घर में, और बस इसमें मैंने बहुत सारे टमाटर डाले हैं, बहुत सारे का मतलब 5 टमाटर जो है ना छोटे छोटे नहीं काटना है, बड़े बड़े टुकड़ों में जो है ना इसको काट के मैंने इसमें डाल दिए। अभी लौकी की सब्जी मेरी बनी नहीं है, थोड़ी सी जब आपकी लौकी सीझ जाए ना यानी पक जाए उसके बाद जो है ना मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, और बिल्कुल गैस की फ्लेम जो है ना मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी, उसको इस तरह से ढक दिया था, और 10 मिनट के अंदर जो है ना लौकी की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। जो टमाटर का जो रस है ना वो लौकी के अंदर तक जाता है, और सच में लौकी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद फटाफट जब तक लौकी की सब्जी बन रही है तब तक मैं आटा भी गूंथ दूँ, और दोनों टाइम का जो है ना एक साथ ही बना के रख लेती हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं। अब जो है ना रोटी बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, मैं ना बहाने ढूंढती हूँ कि आज क्या बनाऊँ कि मुझे रोटी ना बनाना पड़े, तो ऐसा तो चलता ही नहीं है कि घर में रोटी ना बने। एक आध दिन का तो काम चल जाता है, कभी इडली बना ली, कभी नमकीन चावल बना दिए, तो एक आध दिन तो गैप चल जाता है, लेकिन रोटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रोटी के बिना हम लोगों का नहीं चलता। और इस टाइम जो है ना इतनी ज़ोरों से भूख लग रही है, और मेरे ठाकुर जी भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है क्योंकि भूख का तो जो है ना टाइम हो ही गया है। पीछे आपको कपड़े दिख रहे होंगे, उनकी घड़ी करना है इसलिए रखे हुए हैं। तो काम जो है ना इस तरह से परेशान हो जाती हूँ मैं, जब कभी मकान पर जाती हूँ ना तो उस दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेट बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, खाना भी बहुत टाइम पर नहीं बन पाता है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाओ ना तो आपका जो टाइम है ना पूरा बेकार हो जाता है। तो 3-4 घंटे कब ख़राब हुए पता नहीं चला, अब शाम को फिर से जाना है। तो इस तरह से जो है ना आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कहती हूँ ना आपसे कि मुझे टाइम नहीं मिलता, इसीलिए नहीं मिल पाता टाइम। और गर्मी जो है ना इतनी खतरनाक वाली गर्मी है ना, बहुत खतरनाक वाली। और इसमें मैं अपने लिए दही निकाल लूँ क्योंकि मैं डेली दही ज़रूर खाती हूँ, एक कटोरी। चलो दही निकालते हैं। ये देखिए इसमें जमाती हूँ मैं दही, इसमें दही है तो मैं अपने लिए दही निकाल दूँ। गरम दही नहीं खाता, उसको ज़्यादा पसंद नहीं आता, दे देती हूँ कभी कभार ज़बरदस्ती, पर उसको ज़्यादा है नहीं तो ऐसे ही निकाल लेती हूँ। पतला सा हो गया है ये, तो एक कटोरी दही, लौकी की सब्जी और 2 रोटी ये खाऊँगी मैं। तो मैंने अपने डाइट पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया है क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई। कहती हूँ ना मैं आपसे, जैसे जैसी उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे अपनी सेहत पर जो है ना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक खाना खाऊंगी तब तक नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है ना मेरा दही हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और इसमें लौकी बन गई, और हेरम का जो है ना आज बिल्कुल मन नहीं था लौकी खाने का, मतलब उसको बार बार कह रहा था तुम्हें आप लौकी मत बनाओ, लौकी मत बनाओ, लेकिन लौकी बहुत दिनों से रखी हुई थी तो फिर मैंने लौकी बना दी। और बस हेरम ने जो है ना अभी तक 4 चक्कर लगा दिए हैं कि मम्मी खाना कब बनेगा, मम्मी कब खाना बनेगा, और थोड़ा थोड़ा तो देखिए लेट हो ही जाता है, कितना भी जल्दी जल्दी मैंने बहुत किया फिर भी लेट हो गया। और जल्दी जल्दी में जो है ना मेरा आटा जितना गीला हो गया था ना, मतलब जल्दी में तो मतलब होते ही हैं काम, हमेशा टेढ़े हो जाते हैं। और देखिए ये है आज का खाना, ठाकुर जी का भी मैंने भोग लगा दिया लेकिन जल्दी जल्दी मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि सबको जो है ना भूख लग रही थी, अब सभी समझ सकते हैं नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा टाइम। तो बस ये है आज का खाना, सलाद वगैरह मैंने नहीं काटा, अब जो है हिम्मत ही नहीं है सलाद खाने की, तो सलाद को जो है ना मैंने कैंसिल कर दिया है। तो लौकी की सब्जी, दही, रोटी, बस उसके बाद शाम को फिर से मुझे नए वाले घर पर जाना था, और आजकल जो है ना आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसीलिए जो है ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता। मैं आपसे कहती हूँ ना कि आपके कमेंट का भी जो है ना रिप्लाई नहीं कर पाती समय पर, यही कारण है। आने जाने में जो है ना बहुत सारा समय जो है ना मेरा इसी प्रकार ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए जो है ना आपके कमेंटों के रिप्लाई जो है ना समय पर अभी जो है ना नहीं जा पा रहे। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो पक्का जो है ना कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि हर एक कमेंट का जो है ना रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ, लेकिन जब पंडित जी होते ना तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो सारे काम देख लेते हैं नए वाले मकान के, लेकिन जब वो चले जाते हैं ना अपने अनुष्ठानों में तो फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और इस समय अब मैं आपको इसीलिए जो है ना मैंने ये रूटीन वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए ताकि आप थोड़ी सी जो है ना मेरी मजबूरी को आप थोड़ा समझ सकें। वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक कहानी है, तो बस मेरी भी थोड़ी सी आजकल थोड़ी व्यस्त वाली जो है ना लाइफ चल रही है, और कहते हैं ना जिस पर बीती है वही समझ सकता है, तो शायद आप शायद इस चीज़ को समझ
सके, इसीलिए जो है ना मैंने इस वीडियो को बनाया था। रास्ते में बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए जो है ना यहाँ पर गन्ने का जूस पी रही हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप कहीं थक जाएँ तो जूस ज़रूर पिए, पानी ज़रूर पीते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली ख़तरनाक वाली जो है ना गर्मी पड़ रही है। और बस यहाँ पर जूस पिया है मैंने, अब जाऊंगी घर पर। और घर पर जाने के बाद सबसे पहले मैंने नहाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो नहाकर कपड़े वगैरह चेंज किए, ठाकुर जी की आरती की। और फिर रामायण मैं डेली मैं पढ़ती हूँ, तो फिर मैंने अपनी रामायण वगैरह पढ़ी, तुलसी मैया की आरती की। तो इसी तरह से जो है ना पूरा दिन व्यस्तता वाला जो है ना पूरा दिन मेरा हो जाता है। आई होप आप सभी समझ सकते हैं। और बस मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे मित्रों, राधे राधे।